नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि CUT का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि CUT में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उस हिसाब से आप लोग CUT के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों NTA। ठीक है, क्या टाइप कीजिएगा? NTA आपको टाइप कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे NTA टैप कर लिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों, आपके सामने जो पहला वेबसाइट खुल के आएगा दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक निशान दिख रहा होगा, देखिए आपका यहाँ पे है, ये आपका 3 लाइन। ठीक है, ये जो आपका 3 डॉट दिख रहा है दोस्तों, इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों, इसको आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। ठीक है, एक ऑप्शन यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों डाउनलोड का। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, यहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, इसको दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ रहेगा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कौन सा पेपर का डाउनलोड करना है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक कोई भी पेपर डाउनलोड करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे 2022 का चाहिए तो 2022 का आ जाएगा, 2023 का चाहिए तो 2023 का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2 साल से आपका CUT का पेपर हो रहा है, तो मुझे 2023 का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2023 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे 2023 सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम मिलेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है CUET। ठीक है, क्या करिएगा? CUET। ठीक है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है दोस्तों, आपको मिल जाएगा यहाँ पे CUT। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है CUT UG CUT PG, तो मुझे यहाँ पे CUT UG का चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा CUET UG। ठीक है, आपके बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेपर को सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा पेपर आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे हिस्ट्री का डाउनलोड करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री का। ठीक है, इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। जैसे भी यहाँ पे आप ये तीनों आपका सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक आपको बटन दिख रहा होगा सर्च का। ठीक है, इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे नेट अभी स्लो चल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। ठीक है, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका जो पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग देख सकेंगे कि किस प्रकार का जो है वह CUT में प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग CUET का पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग CUET का तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं।